हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है साइड हसल। अब ये जो टॉपिक है ये अधिकतर एचआर से रिलेट नहीं करता है, ये आजकल का जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है मार्केट में उससे रिलेट करता है। बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं वो लोग साइड हसल कर रहे हैं और साइड हसल का कल्चर जो है वो बहुत सारी कंपनीज में आ चुका है। तो आज हम लोग वही जानेंगे कि बेसिकली साइड हसल क्या होता है और किस किस प्रकार से आप साइड हसल करके आप अपनी साइड इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं। तो बने रहिएगा, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहले साइड हसल का मीनिंग जान लेते हैं। अ साइड हसल इज अ जॉब और बिजनेस दैट अ पर्सन परस्यू इन एडिशन टू देयर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। देखिए, यहां पे सिंपल सी चीज समझने वाली ये है कि आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है। आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम वो होती है जहां आप प्रॉपर जॉब करते हैं, जहां से आपको मंथली सैलरी आती है, या फिर आप कोई बिजनेस कर सकते हैं तो वहां से आपको जो इनकम जनरेट होती है, तो वो आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है। उसके अलावा आप जो साइड में अलग से करते हैं, चाहे वो आपका पैशन हो या थोड़े से ज्यादा पैसे बनाने के लिए कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, उसको साइड हसल बोला जाता है। तो इट इज यूजली डन ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस, ये पार्ट टाइम बेसिस पे किया जाता है एंड इज ऑफन अ वे फॉर इंडिविजुअल टू मेक एक्स्ट्रा मनी और एक्सप्लोर द इंटरेस्ट एंड पैशन आउटसाइड दैट मेन करियर। तो ये पार्ट टाइम किया जाता है और ये इंडिविजुअल कब करते हैं, जब उनको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत होती है और अपने इंटरेस्ट को और अपने पैशन को जहां फॉलो करना होता है, तो वो यूजली जो है जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, वो ये करते हैं। तो ये बेसिकली साइड हसल कहलाता है। साइड हसल कैन रेंज फ्रॉम फ्रीलांसर वर्क, ऑनलाइन बिजनेस, पार्ट टाइम जॉब्स और एनी अदर टाइप ऑफ वर्क दैट कैन बी डन ऑन द साइड। मतलब जॉब के अलावा जो आपके पास खाली समय बचता है, उस खाली समय में अगर आप साइड इनकम जनरेट करने के हिसाब से जो भी आप काम करते हैं, चाहे वो फ्रीलांसिंग वर्क हो, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब्स हो, कुछ भी जिससे कि एडिशनल इनकम जनरेट होती है, वो साइड हसल में काउंट होती है दोस्तों। मेनी पीपल चूज टू स्टार्ट साइड हसल टू सप्लीमेंट देयर इनकम, सेव मनी, पे ऑफ डेब्ट्स एंड परस्यू देयर पैशन। यहां पे सिंपल सा ये बताया गया है कि साइड हसल जो लोग करते हैं उनका मेन मोटिव एक्स्ट्रा इनकम कमाना होता है, जो एडिशनल पैसे आते हैं उससे जो अपने डेब्ट हैं उनको नैरो डाउन करना होता है, और जो पैशन है, जो बहुत सारे लोग जो है स्ट्रेस के चलते जो है जॉब ले लेते हैं और अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है अपने पैशन को फॉलो करने के लिए साइड हसल करते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ साइड हसल मैंने बताए हैं, छह प्रकार के साइड हसल हैं जो एक एम्प्लॉय कर सकता है दोस्तों। सबसे पहले है फ्रीलांसिंग वर्क। फ्रीलांसिंग वर्क किया जा सकता है लेकिन बहुत सारी कंपनियां ये अलाउ नहीं करती हैं, तो कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। फ्रीलांसिंग वर्क के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो उसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, बता दूंगा कौन कौन से फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जहां पे आप जाके अपने लिए फ्रीलांस वर्क उठा सकते हैं। अगला आता है ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस का चलन बहुत ज्यादा है दोस्तों और बहुत सारे लोग जो है साइड में ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो शॉपिफाई हो, चाहे वो अलग से अमेजन एफपीए बिजनेस हो, और फ्लिपकार्ट में भी सेल कर रहे हैं आजकल लोग, तो ऑनलाइन बिजनेस बहुत ही ज्यादा बूम हो रहा है। देन अगला आता है कंसल्टिंग। कंसल्टिंग उन लोगों के लिए है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन लगते हैं, जो एक प्रोफेशनल हैं और उनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है जिसको वो एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो कंसल्टिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो गए, एचआर कंसल्टेंट हो गए, तो ये कंसल्टिंग भी एक अलग से साइड हसल होती है जिसको आप यूटिलाइज करके एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है टीचिंग और ट्यूटरिंग। टीचिंग और ट्यूटरिंग बहुत ही पुराना एक साइड हसल वाला प्रोफेशन है। अगर आप लोग देखे होंगे तो हर एक छोटे छोटे शहरों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक जो है टीचिंग और ट्यूटरिंग जो है लोग करते हैं और उससे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करते हैं। देन अगला आता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है ये आजकल के समय में दोस्तों, और ब्लॉगिंग करके बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है टोटली ब्लॉगिंग ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्लॉगिंग एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है अगर आप अच्छे से ब्लॉगिंग करने लगते हैं। थोड़ा समय लगता है लेकिन आगे चल के जब आपका बेस अच्छा स्ट्रांग हो जाता है, देन यू कैन जनरेट गुड अमाउंट ऑफ इनकम यूजिंग ब्लॉगिंग। देन नेक्स्ट आता है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन जो है आप यूट्यूब में कर सकते हैं और अलग अलग प्रकार के कंटेंट, जो भी आपको इंटरेस्ट लगते हैं उन वो प्रकार के कंटेंट आप बना के
जो है उसको मोनेटाइज करके वहां से पैसा कमा सकते हैं। देन उसके बाद आप एंडोर्समेंट कर सकते हैं, एंडोर्समेंट के द्वारा जो है पैसा कमा सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग होता है, एफिलिएट मार्केटिंग को जो है ब्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएशन में आप डाल के जो है पैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ साइड हसल हैं जो कि एक एम्प्लॉय कर सकता है अपार्ट फ्रॉम देयर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जो कि जॉब से आती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी प्रकार के नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा साइड हसल ज्यादा पसंद आया और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।